प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है हर घर पाठशाला में। तो 8 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं एडोब फोटोशॉप के। 9th क्वेश्चन है, हाउ कैन वी क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इन एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप में हम एक नया डॉक्यूमेंट जो है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। The steps to create a new document in Adobe Photoshop are, अब जो steps दिए हुए Adobe Photoshop में नया document create करने के लिए वो next हैं। First step है click on all programs, all programs में जाएंगे। After that we will start Adobe Photoshop, उसके बाद हम Adobe Photoshop को start करेंगे, ठीक है। Second step है click on file, उसके बाद हम file window पे click करेंगे, उसके बाद new option पे जाएंगे। New के बाद जैसे ही न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो न्यू डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने नेम की जगह अपने जो डॉक्यूमेंट उसका नाम टाइप करना है, इमेज का जो साइज है, ठीक है, इमेज का साइज कौन सा रखना है, ठीक है, तरह तरह के साइजेस और रेजोल्यूशन वहाँ पे दिए हुए हैं वो हम सेलेक्ट करके खुद भी कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। कस्टमाइजेशन मतलब खुद भी अपना भी यूजर डिफाइंड साइज जो है इमेज के लिए वो खुद भी रख सकते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट के लिए। सी ए कलर मोड, उसके बाद हम कलर मोड सेलेक्ट करेंगे। RGB डिफॉल्ट जो है वो हम रहने देते हैं, वैसे ही बाकी हमारी मर्जी है, ये वो रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। थर्ड है कंटेंट्स, व्हाइट बैकग्राउंड रखना है, कलर रखना है या ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड लेनी है अपने काम के लिए, ठीक है। तो चलिए इन सारे के सारे स्टेप्स को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं और एक प्रैक्टिकल भी करेंगे हम साथ साथ में, जैसे पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ्स बनाते हैं फोटोग्राफर्स वो कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो सारी चीज जो है इसमें क्लियर हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं एडोब फोटोशॉप के ऊपर, ठीक है। एडोब फोटोशॉप जो है वो ओपनड है, ठीक है। तो हम जाएंगे फाइल मेन्यू के ऊपर, न्यू ऑप्शन, ठीक है, ये आ गया न्यू डायलॉग बॉक्स बोलते हैं इसको, ठीक है, न्यू डॉक्यूमेंट के लिए, न्यू इमेज के। यहाँ पे हम इमेज का नाम रख देते हैं, ठीक है, ठीक है, एक नाम रख दिया। ये कस्टमाइज साइज है, मतलब हम खुद भरना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे साइजेस को, ठीक है, ये उसके लिए साइज है। लेकिन मान लो अगर हमने साइज नहीं भरने भरने हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है प्री डिफाइंड साइजेस भी हैं यहाँ पे, ठीक है। A4 साइज देना है तो A4 साइज जो प्रिंटिंग का साइज होता है, ठीक है। अगर मान लो अपने पासपोर्ट साइज फोटोज बनाने हैं तो 4x6 का यूज करते हैं या 8x10 का यूज करते हैं, ठीक है, तो 4x6 का यूज कर लेते हैं, ठीक है, इसमें चल, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं ओके बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, ये हमारा जो पेज है वो हो गया ओपन, ठीक है। आप जो फोटोज हैं वो उसके लिए तो 4x6 लेते हैं, लेकिन 6x4 में हम कैनवस, ये जो आ रहा है यहाँ पे इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट या कैनवस फोटो काम के लिए, ठीक है। इसके ऊपर हम राइट क्लिक करके कैनवस का जो साइज है वो कर लेते हैं, विड्थ जो है इसकी 6 कर लेते हैं और जो इसका हाइट है वो 4 कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है, ये ठीक है। अब चलिए एक इमेज मान लो हमने फोटोग्राफ लिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, कैमरा से, डिजिटल कैमरा से जैसे भी लिया है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी जो है पिक्स हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे मान लो तो नहीं काम करेगी, लेकिन यहाँ पे और पिक्चर देख लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लो ये वाली पिक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ये ठीक है। तो मैं इस इमेज को सबसे पहले कर रहा हूँ यहाँ से सिलेक्ट, ठीक है। तो सिलेक्ट के लिए मैं यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करूँगा, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक इमेज को सिलेक्ट कर लूँगा। अब थोड़ा सा ऐसा होता है कि जो हमारा पासपोर्ट साइज जो फोटो होता है वो होता है शोल्डर तक का, ठीक है। तो मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और शोल्डर तक जैसे यहाँ से यहाँ, ठीक है, चलिए प्रैक्टिकली समझने के लिए काफ़ी है वो, बाकी हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको कर रहे हैं इमेज को कॉपी, ठीक है, या कॉपी करके लेके जा सकते हैं, या फिर जो सेकेंड मेथड है वो मूव से भी, हम इसको मूव टू से भी सीधा दूसरे डॉक्यूमेंट के ऊपर लेके जा सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे इमेज के साइज को छोटा करने के लिए, बड़ा करने के लिए हम यूज करते हैं मर्की टूल को, क्योंकि मर्की टूल के ऊपर क्लिक करते हैं हमारे पास जो होती है ये वाली ऑप्शन जो कि प्री ट्रांसफॉर्म वाली, ये डिस्प्ले हो जाती है, ठीक है। प्री ट्रांसफॉर्म से हम इमेज का जो साइज है वो कर लेते हैं इस तरह से एच, ठीक है, जैसे पासपोर्ट साइज फोटो का होता है, ठीक है। अब इसको मैं मूव कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, चलिए मैं प्रेस कर रहा हूँ एंटर, ठीक है, ये आ गया हमारा एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ,
ठीक है, अब चलिए चलते हैं एडिट मेन्यू पे, ताकि हम इस फोटोग्राफ के चारों तरफ एक बॉर्डर को यूज कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन रहती है यहाँ पे स्ट्रोक, एडिट के अंदर स्ट्रोक। ठीक है, यहाँ पे अब जो का जो बॉर्डर का साइज है, स्ट्रोक का जो साइज है, वो हम रख सकते हैं यहाँ पे 4 का रख लो, 3, 2, ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है। और बॉर्डर जो आप रखेंगे, जैसे तो जो फोटोग्राफर्स यूज करते हैं वो ब्लैक कलर ज़्यादा यूज करते हैं बॉर्डर के लिए, तो बॉर्डर ही रहने देते हैं। ठीक है, कलर ओके। ठीक है, अब देखो ये सराउंडिंग में इसके फोटोग्राफ के चारों तरफ एक बॉर्डर लग गया। ठीक है, अब बात करते हैं इस फोटो की डुप्लीकेट करने की। ठीक है, अब जैसे हम फोटोग्राफ्स लेते हैं तो फोटोग्राफर क्या करते हैं कि आपको जब भी वो फोटोज देते हैं उन्हें तो 8 या जैसे उन्होंने बनाया था 8 या 1, अगर आपने 8 लेने हैं, 25 लेने हैं, या आपने 40 लेने हैं, 60 लेने हैं, तो उस हिसाब से तो उस फोटो की जो फोटो को क्लोन किया होता है उन्होंने, वो मेथड है हमारे पास। यहाँ पे हम यूज करेंगे ऑल्ट और शिफ्ट की प्लस माउस का लेफ्ट बटन क्लिक। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आ गई ये वाली इमेज। ठीक है, तो अब इस इमेज को हम करेंगे डुप्लीकेट, जैसा कि पासपोर्ट साइज फोटोज जब हम देते हैं तो होता है ना कि मल्टीपल कॉपीज होती हैं। मल्टीपल कॉपीज के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे ऑल्ट शिफ्ट की दबाएंगे कीबोर्ड से। ठीक है, पहले हम यहाँ पे जाते हैं मूव टूल पे, मूव टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब दबाएंगे हम ऑल्ट शिफ्ट की। ठीक है, उसके बाद माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे इस तरह से, और हमारी जो इमेज है पासपोर्ट साइज के लिए इस तरह से बनती जाएगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। ठीक है, फिर से ऑल्ट शिफ्ट दबा रहा हूँ और इसकी जो डुप्लीकेट है उसका जो क्लोन है वो क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स बनते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन बी ओपन एन इमेज इन एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप में हम एक इमेज को कैसे ओपन कर सकते हैं, तो वो तो सिंपल ही है, कैसे ओपन करेंगे, दी स्टेप्स टू ओपन एन इमेज आर। ठीक है, क्लिक ऑन फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ओपन पे जाएंगे, नेविगेट टू द फोल्डर दैट कंटेन द इमेजेस, उसके बाद फोल्डर की तरफ हम नेविगेशन करेंगे जहाँ पे हमने इमेजेस को स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है, सिलेक्ट द इमेज दैट यू वॉन्ट टू ओपन, उसके बाद इमेज को सिलेक्ट करेंगे और हमारी इमेज जो है वो ओपन है। ठीक है, जैसे मान लो ये है, फाइल मेन्यू पे जाएंगे, ओपन करेंगे, ओपन के ऊपर फिर हम नेविगेट करेंगे कि कहाँ पे किस फोल्डर में जो है वो हमारी इमेजेस जो है वो सेव है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको यहाँ पे और यहाँ पे सिलेक्ट किया इमेज, इमेज विल बी। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, हाउ कैन बी ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट्स। हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उनका कैसे हम रूप बदल सकते हैं। ठीक है, द वेरियस ट्रांसफॉर्मिंग ऑप्शंस आर, फर्स्ट है क्रॉपिंग, द क्रॉप टूल इनसाइड अ टूल बॉक्स कैन बी यूज्ड टू क्रॉप एन इमेज। ठीक है, अब क्रॉप का काम जो होता है जैसे साइड में से कटिंग वगैरह करना, काट छांट करना। ठीक है, तो टूल बॉक्स में रहेगा हमारे पास क्रॉप करने के लिए, क्रॉप टूल है इमेज को, जैसे मान लो ये इमेज है इसको क्रॉप करना है, तो यहाँ पे हमारे पास क्रॉप टूल रहेगा, तो ये भी ट्रांसफॉर्मेशन में यूज होता है। जैसे मान लो यहाँ पे हमने क्रॉप कर देना, एंटर प्रेस किया और इमेज जो है वो क्रॉप हो। ठीक है, ये है क्रॉपिंग के लिए। नेक्स्ट टूल की बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास रोटेटिंग, वी कैन रोटेट एन इमेज बाय राइट क्लिक ऑन इमेज एंड सेलेक्ट ऑल। सबसे पहले हम इमेज को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे इमेज के ऊपर, हमारे पास फ्री ट्रांसफॉर्म वाली जो ऑप्शन आती है इमेज की। ठीक है, राइट क्लिक ऑन इमेज, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे इमेज के ऊपर, उसके बाद हम इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये इमेज है हमारे पास, मैं ये वाला टूल यूज कर रहा हूँ। ठीक है, राइट क्लिक कर रहा हूँ, सिलेक्ट ऑल। ठीक है, अब फिर दोबारा मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, हमारे पास होता है फ्री ट्रांसफॉर्म वाली ऑप्शन आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, अब फिर दोबारा मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, अब हम इसको रोटेट कर सकते हैं, ये हमारे पास रोटेशन है। ठीक है, यहाँ पे भी है रोटेट, यहाँ पे जैसे मान लो 180 भी करना है इसको रोटेट, 90 डिग्री, और इस तरह से 90 डिग्री पे करना है, और फिर 180 पे लेके जाना है। ठीक है, तो ये है रोटेशन, इस तरह से हम इमेज को रोटेट कर सकते हैं फोटोशॉप के अंदर। ठीक है,
चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लिप करना। फ्लिप करना मतलब साइड बदलना, पासे बदलना बोलते हैं ना, पासे चेंज करना, साइड बदलना। ठीक है, वी कैन फ्लिप एन इमेज बाय राइट क्लिक ऑन इमेज एंड सेलेक्ट ऑल। सेम वैसे ही करेंगे, इमेज को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट ऑल करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इमेज के ऊपर, फिर फ्री ट्रांसफॉर्म के अंदर जाएंगे, जहां पे रोटेशन के लिए ऑप्शन थी वहां पे फ्लिपिंग के लिए ऑप्शन रहेगी हमारे पास। ठीक है, तो राइट क्लिक ऑन इमेज, फ्लिप हॉरिजॉन्टल और फ्लिप वर्टिकल। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो फ्लिपिंग के लिए यहाँ पे ऑप्शन रहेगी। फिलहाल जो है इमेज सिलेक्ट है, मैं फिर से राइट क्लिक कर रहा हूँ, उसको डिसलेक्ट कर रहा हूँ, मैं दोबारा राइट क्लिक कर रहा हूँ, अब सिलेक्ट ऑल यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट ऑल, राइट क्लिक करेंगे, फ्री ट्रांसफॉर्म। ठीक है, फिर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये आ गया फ्लिप हॉरिजॉन्टल। रोटेशन वाल भी यहाँ पे रहती है और फ्लिपिंग की भी ऑप्शन यहाँ पे रहती है। जैसे मैं फ्लिप करूंगा तो जो इमेज है ये देखो साइड चेंज हो गई इसकी, ये फ्लिपिंग है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल फ्लिपिंग ये दोनों साइड से। वर्टिकल करनी है तो फ्लिप वर्टिकल में उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से फ्लिपिंग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फ्लिपिंग। ठीक है, तो आज के लिए जो है क्वेश्चन 11 तक काफी है। कल फिर नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं, तब तक सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय हिमाचल।